प्रथम चरण का मतदान संपन्न। प्रथम चरण के मतदान में 456,867 मतदाता थे जिन्हें अपना मतदान का प्रयोग करना था। इस बार इनको बैलेट पेपर पर मोहर लगानी थी। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर के 3 बजे तक होना था। प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी थी, यहाँ तक कि ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। प्रथम चरण का मतदान संपन्न। प्रथम चरण के मतदान में 456,867 मतदाता थे जिन्हें अपने मतदान का प्रयोग आज करना था। इस बार इनको बैलेट पेपर में मोहर लगानी थी। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होना था। प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा कर रखी, यहां तक कि ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। 3 बजे मतदान समाप्त होने के बाद मतदान केंद्र पर ही वोटों की गिनती थी, जो खबर लिखे जाने तक जारी। हम आपको बता दें, प्रथम चरण के मतदान में मऊगंज, हनवड़ा एवं नईगढ़ी जनपद पंचायत में आज मतदान संपन्न हुआ। प्रथम चरण के मतदान में लगभग सुबह से ही मतदान केंद्रों में काफी भीड़ नजर आई। माना जा सकता है 50% के आसपास मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान निर्धारित मतदान केंद्रों में प्रथम सुबह 7 बजे से ही प्रारंभ हो गया था। मतदान समाप्ति तक लगातार मतदान केंद्रों में भीड़ नजर आती रही। लोग अपने अपने वार्डों में जाकर मतदान का इस्तेमाल करते थे। आयोग ने निर्देशित किया था कि रिटर्निंग अफसर द्वारा मतों की संख्या, पुरुष, महिला, अन्य की जानकारी हर 2 घंटे में भेजी जाए। कहा जा सकता है इस बार जिस तरीके से जिला प्रशासन ने चुनाव को लेकर तैयारी कर रखी थी, वो अपने आप में काफी बेहतर। यहाँ तक कि सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर सफलतापूर्वक स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से अवैध रूप से शस्त्र एवं बारूद रखने वाले विस्फोटक पदार्थों के भंडारण एवं प्रदाय करने वाले तथा शस्त्रों के निर्माण व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के ठिकानों का बारे में भी लगातार जानकारी एकत्र की गई। सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। मतगणना पूर्ण हो जाने पर पुलिस द्वारा असामाजिक तत्व, आपराधिक तत्वों, कानून व्यवस्था भंग करने की मंशा से तमाम इंतजाम किए गए थे। लगातार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई लगातार इस एरिया में चालू है। लारिया ट्रकों, ट्रैक्टर ट्रालियों, मालवाहक वाहनों में सामान लाने ले जाने वाले श्रमिकों को छोड़कर अन्य सवारियां पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर रखी थी। कहा जा सकता है पूरी गंभीरता से इस बार त्रिस्तरीय पंचायत के मतदान का इस्तेमाल हुआ। मतदान दिवस के दिन यहां पर अवकाश भी घोषित कर दिया गया था, जिससे हर व्यक्ति वहां पर मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मत का प्रयोग करे। मतदान प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक कराया गया। उसके बाद सब सामग्री एकत्र करके अब मतदान कराने वाले लोग मतगणना की तैयारी में जुट गए। मतदान दलों के साथ सेक्टर ऑफिसर, सुरक्षा कर्मी भी मतदान केंद्र में पहुंचे हुए थे। सभी मतदान दलों को उनको केंद्र में पहुंचने की जानकारी जिला प्रशासन को मिल गई थी। हालांकि जिला प्रशासन ने वैकल्पिक इंतजाम भी कर रखे। जैसा कि आप देख रहे हैं, सुबह से लगातार शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। लोग बड़ी संख्या में मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अभी तक किसी भी केंद्र से किसी प्रकार की कोई समस्या सामने नहीं आई है, और जहाँ पर भी भीड़ ज़्यादा थी वहाँ पर कुछ अतिरिक्त पुलिस बल भेज दिया गया, इससे कि वहाँ पे प्रॉपर लाइन में लग के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। रात को पुलिस ने काफ़ी उम्र किया, लगभग 100 के आसपास हमारी पेट्रोलिंग पार्टी घूम रही थी, और सुबह अर्ली मॉर्निंग से हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किए, इसके चलते अभी वर्तमान में शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न हो रहा है। बहुत ही उत्साहजनक वातावरण है, और सुबह 7 बजे जब मतदान शुरू हुआ था उसके पहले से ही बहुत से मतदान केंद्रों पर लाइन लगी हुई थी, और सभी जगह बहुत अच्छा मतदान हो रहा है। और विशेषकर जो वृद्ध हैं और महिलाएँ हैं, उन लोगों का भी काफ़ी बड़ा पार्टिसिपेशन हो रहा है। सभी जगह अच्छा मतदान हो रहा है, सभी वर्ग और सभी आयु के लोग मतदान करने आ रहे हैं। अभी भी थोड़ी हल्की बारिश होने के बावजूद भी लोग
मतदान की कतारों में खड़े हुए हैं और हमें उम्मीद लगता है कि मैक्सिमम मतदान केंद्रों पर 3 बजे भी मतदाता शेष रहेंगे जिनको कि टोकन बांटकर उनका सबका मतदान कराया जाए। तो ये अच्छी बात है कि सभी जगह अच्छा मतदान हो रहा है और उसके लिए जो व्यापक व्यवस्थाएं करनी थी वो सुरक्षा के और मतदान करने के लिए मतदान कर्मियों के लिए वो सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं और तीनों विकास खंड में काफ़ी अच्छा मतदान हो रहा है।